और इस मट्टी का खासियत ये है कि जितने भी जहरीला सांप वगैरह जितने भी आते हैं ये घर में छिटने से सांप का आवागमन बंद हो जाता है। मट्टी में खासियत यही है कि अगर आप घर में लैट्रिन बाथरूम छोड़ के पूजा में या किसी भी रूम में आप इसको छीट सकते हैं तो आपके घर में सांप वगैरह नहीं आ सकते। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप प्यार। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं सोखा बाबा, जो नवी नगर में ही पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पर काफी भीड़ होती है, और यहाँ पर अदरा में और ऐसे भी यहाँ पर भीड़ रहती है। मैंने अदरा छोड़ के और यहाँ पर भीड़ रहती है क्या? नहीं, अदरा छोड़ के नहीं रहती है। मैंने अदरा के बाद ये 15 दिन के बाद नहीं, कब तक ये चलेगा? ये 15 दिन चलता है। तो ये कब तक, अभी तक यहाँ भीड़ रहेगी? मतलब कितने तारीख? एक हफ्ता और रहेगा, 22 तारीख से चलता है। हाँ। 15 दिन के लगता है। अच्छा, एक हफ्ता और मैक्सिमम। एक हफ्ता और। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ सोखा बाबा का अदरा में पूजा किया जाता है, जो लगभग 15 दिन का होता है और एक हफ्ता और चलेगा। डेट अभी नहीं मालूम हुआ, डेट मालूम है आपको? डेट फिक्स है, मैंने डेट एक फिक्स बताइए कि मैंने 6 जुलाई या 7 जुलाई तक, ऐसा कुछ है? कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, मगर मतलब मान के चलिए कि 6 जुलाई, 6 जुलाई तक मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर काफी देखिए भीड़ होती है, अभी दोपहर हो गई है तो कुछ दुकानें अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पूजे पाठ का सारा सामान और पूजा पाठ का सारा सामान आपको मिलेगा। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको प्रसाद बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा, 30 रुपया में आपको एक नारियल और प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको गेट हम दिखा रहे हैं, और वहाँ गेट दिखाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोखा बाबा दास की जय, ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपको यहाँ सामने आपको नजर आएंगे। अब हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है और वहाँ पर जो है नारियल फोड़ा जाता है, और उसके बाद यहाँ कुछ महिलाएं जो है पूजा पाठ यहाँ पर कर रही है। चलिए हम आपको डायरेक्ट दर्शन करवाते हैं सोखा बाबा की, सोखा बाबा हैं कौन, और चलिए उनके बारे में कुछ हम जानकारी करते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, आने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ का नियम लिखा हुआ है जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आवश्यक सूचना यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर दिखा दीजिए, और सारा चीज आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको हम दर्शन करवाते हैं, दर्शन आपको करवाते हैं सोखा बाबा से। ये देख लीजिए, अभी मंदिर का टाइमिंग है खुलने का, यानी अभी खुली हुई है, इसलिए दर्शन हम लोग को भी साक्षात हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि बकस बाबा यानी एक तरह से नाग बाबा यहाँ पर है, जो मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मुझे सहयोग कर रहे हैं यहाँ के कमेटी के लोग। ये देखिए यहाँ पर आप क्लोज करके दिखाइए, नजदीक जाके दिखाइए, और ऊपर से ये दिखाइए, ये है सोखा बाबा, यही है ना, यही सोखा बाबा है जो नाग बाबा यहाँ पर है। इनकी क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद चलिए हम आपको और इधर जाते हैं, और आने के बाद इस रास्ते से हम निकल सकते हैं। और यहाँ पर काफी देखिए इस गेट पर धागा बांधा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए पूरा धागा बांधा हुआ है, ये देख लीजिए ये टोटल। अब हम यहाँ के जो कमिटी है उनसे हम बात करते हैं। और कहाँ गए भैया? यहाँ पर आप ही थे ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आइए। आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम क्या हुआ? गोविंद कुमार तिवारी। गोविंद कुमार तिवारी जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप आ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ कब मेला लगती है? अदरा नक्षत्र में कितना तारीख तक चलेगा? 6 तारीख को 8:30 बजे रात्रि में अदरा नक्षत्र खत्म हो जाएगा। 6 जुलाई को, 6 जुलाई तक यानी 8:30 बजे रात्रि को अदरा नक्षत्र ये मने खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भीड़ कम रहती है, जिनको जानकारी रहता है लोकल क्षेत्र के, यह कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद जिला में आपको नबी नगर में ही, मार्केट कौन सा है? मंगल बाजार में आपको सोखा बाबा का ये मंदिर मिल जाएगा, जो बहुत ही प्रचलित है, जो खास करके अगर कोई फेस्टिवल और भी आते हैं उसमें भी काफी भीड़ रहती होगी। हाँ जी, जैसे दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, सावन पूजा हो गया। हाँ, सावन में भी तो भीड़ खूब रहेगी, कम बेसी भीड़ रहेगी, मगर सबसे ज्यादा अदरा में भीड़ रहती है, मेन अदरा का ही महत्व है। अब चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो मिट्टी था उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं इस मिट्टी को ले जाते हैं,
ये मिट्टी आती कहाँ से है, आखिर क्यों ले जाते हैं, इनकी क्या खासियत है, आज हम इसके बारे में बताते हैं। तो आप बताएंगे कि आखिर ये मिट्टी कहाँ से लाया गया? ये इनका गढ़ है सोखा बाबा मंदिर का। अच्छा अच्छा। पहले ये मिट्टी यहाँ बहुत महत्व रहता था, और इस मिट्टी का खासियत ये है कि जितने भी जहरीला सांप वगैरह जितने भी आते हैं, ये घर में छिटने से सांप का आवागमन बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा जी, यही खासियत है इस मिट्टी। अब अगर मान लेते हैं कि अगर कोई सांप अगर काट लेता है, उस स्थिति में इस मिट्टी काम करेगी कुछ? जी जरूर करेगी। क्या करने पड़ेगा, लगाने पड़ेगा? नहीं नहीं, इस मिट्टी को छिटने से घर में एंट्री ही नहीं है सांप। अच्छा, एंट्री ही नहीं होगी? नहीं। मगर अगर मान लेते हैं कि ये मिट्टी जहाँ नहीं छिटा हुआ है जिस घर में, और अदर जगह अगर सांप काट लेता है, तो उस स्थिति में ये मिट्टी काम करेगी या नहीं करेगी? सोखा बाबा मंदिर में आने से इनका भभूति लगाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। मतलब यहाँ आने से, यानी नवी नगर सोखा बाबा का जो मंदिर है, यहाँ आने से भभूति लगा देने से वो सांप का जहर निकल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिट्टी इनका एक अलग बनाया हुआ है। क्या था? मिट्टी मिट्टी। हाँ, मिट्टी उनका एक अलग गढ़ था ना। हाँ, उनका एक अलग गढ़ था जो यहीं आसपास में है ना, पीछे में है। पीछे में है, और देखिए कितना दूर होगा, करीब 10 कदम। अच्छा, 10 कदम वहाँ हम चलते हैं। आपको यहाँ देखिए, ये मिट्टी वहाँ से यहाँ लाया जाता है, और इस मिट्टी में खासियत यही है कि अगर आप घर में लैट्रिन बाथरूम छोड़ के कहीं भी आप मंदिर में के पूजा में या किसी भी रूम में आप इसको छींट सकते हैं, तो आपके घर में सांप वगैरह नहीं आ सकता है। और चलिए हम आपको जहाँ पर गढ़ है वहाँ ले चलते हैं। ये 10 कदम है, तो यहाँ से हम आ चुके हैं। इधर आने के बाद ये देख लीजिए, ये पीछे ये आपको मंदिर मिल जाएगा, और मंदिर के पीछे जो है ये गढ़ है, यहीं से मिट्टी को लाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सोखा बाबा का ही गढ़ है, अंदरूनी है जो मिट्टी। हाँ हाँ, गढ़ से ही आता है। देखिए दोस्तों, अब ये देखिए मंदिर के पीछे इनका गढ़ है, और वहाँ अंदर से, मतलब इसके अंदर अंदर जाते हैं, और वहां से जाने के बाद उस मिट्टी को, जो शुद्ध मिट्टी होते हैं, यहाँ पर रख दिया जाता है और सिद्ध किया जाता है। जैसे कि बाबा बता रहे हैं, सिद्ध तिवारी जी बता रहे हैं, और ये सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद इस मिट्टी को पवित्र एक तरह से हो गया, तो यहाँ पर पूजा पाठ आप आराम से कर सकते हैं और इस मिट्टी को ले जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो बगल में आपको अंबा में सतमनी मंदिर है, वहां पर मेला भी लगा हुआ है जो 6 जुलाई तक है, और उसके बाद यहाँ भी 6 जुलाई तक यहाँ पूजा पाठ अगर होती रहती है, आप यहाँ भी आके दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको काफी सुकून मिलेगा। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि 6 जुलाई के अंदर में आप आना चाहते हैं तो सोखा बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है? सुबह से शाम तक। और बीच में बंद भी होती है क्या? बंद नहीं होती है। बंद नहीं होती है, मतलब हमेशा दर्शन आएगा? बिल्कुल। तो दोस्तों हमेशा दर्शन आपके हो जाएगी। यही मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में आप नारियल लाते हैं, इस मंदिर में आप नारियल लाते हैं सोखा बाबा को चढ़ाने के लिए, चाहे इलायची लाते हैं, तो बाहर में तो ये सब सारे प्रसाद आपको मिल जाएंगे, मगर इसका एक अलग स्थान बनाया गया है। मगर सोखा बाबा है जो है, जो नाग बाबा हुए, उनके ऊपर यहाँ मीठा का महत्व है, जो मीठा ही यहाँ पर मंदिर में चढ़ाया जाता है बाबा को। और एक खासियत और है, पहले अपना नाम बताइए। नाम सुरेश तिवारी है। जो बताइए कि अगर सांप काट देता है उसके बारे में आप डिटेल। सांप काटने के बाद यहाँ पर बैठा दिया जाता है, समझ गए ना, सोखा बाबा के पास, और बैठा देने के बाद ऊपर से जल दिया जाता है पानी, और चिल्लाता है, लोग आवाज देता है कान में कि सोखा बाबा माधव दास की जय। सोखा के कान में, जिस व्यक्ति को सर्प काटता है जी जी जी, उस व्यक्ति को कान में बोला जाता है कि सोखा बाबा माधव दास की जय, सोखा बाबा माधव दास की जय। और बोलने के बाद कुछ समय के बाद उसको जब होश हो जाता है, यहाँ का ही विशेष महत्व इसका, मतलब एक तरह से उसको जो काट देता है वो विष निकल जाता है। हाँ हाँ, और खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। बहुत पुराना ये प्रचलित देवता है। कब से ये मंदिर है लगभग? ये लगभग हमको लगता है कि 500 वर्ष से ऊपर होगा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये 500 वर्ष से बहुत ही पुराना यह मंदिर है, और यहाँ का बहुत ही खासियत है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अदरा में 6 जुलाई तक ही यहाँ पर पूजा पाठ होती है, उसके बाद अदरा के बाद भी यहाँ आप आ सकते हैं, मगर भीड़ नहीं मिलेगी।
और दर्शन जो है आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आपको आराम से हो जाएगी दोस्तों। यही एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।